नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। यूपी में चुनावी शंखनाद हो चुका है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह एक बार फिर यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार लाई जाए। लेकिन इस सबके बीच आपको बताएं कि जैसे ही चुनाव प्रचार के दौरान या जनता से मिलने के लिए हम कह लें, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने विधानसभा क्षेत्र सराथों पहुंचे, वहां उन्हें देखते ही जनता आक्रोशित हो गई, गुस्से से भर गई। और इतना ही नहीं, उन्होंने जमकर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी लगाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनता का गुस्सा देखने को मिल रहा है। बता दें कि ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्विटर पर साझा किया गया है। और समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि इस बार यानी कि 2022 में बीजेपी हारने जा रही है। बता दें कि इस वीडियो के साथ ही समाजवादी पार्टी ने एक मैसेज भी बीजेपी के नाम लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पिछड़ों और दलितों का वोट लेकर 5 साल सत्ता की मलाई काट, उनके लिए कुछ ना करने वाले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को जनता ने दिखाया आईना। ट्विटर पर बड़बोलापन छोड़ अगर जमीन पर अपने विधानसभा क्षेत्र में कुछ किया होता तो सम्मान ना खोना पड़ता। जनता का इकबाल है, 22 में तय बदलाव है। यानी कि ये जो बदलाव की बात है वो लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से कही जा रही है। और इतना ही नहीं, ये जो वीडियो इस वक्त समाजवादी पार्टी ने ट्विटर पर शेयर किया है, इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। उनके खिलाफ लोग नारेबाजी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में किस तरह से इस वीडियो में जनता का आक्रोश देखने को मिल रहा है, आप पहले इस वीडियो को देखिए। बता दें कि इस बार यूपी में बदलाव की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अपने ही विधानसभा क्षेत्र में केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ लोग खड़े हो गए और जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। और यही वजह है कि इसी वीडियो के माध्यम से ये आरोप अब बीजेपी पर लगाया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक सत्ता में बैठकर मलाई खाने का काम बीजेपी ने किया है। और यही वजह है कि इस बार 2022 में बदलाव होना तय है और सरकार अखिलेश यादव की ही बनने जाएगी। अब देखने वाली बात होती है कि आगे यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर और क्या कुछ तस्वीरें देखने को नजर आती है। लेकिन बता दें कि इस वक्त यूपी का चुनाव बेहद ही मजेदार बन चुका है। जहां एक तरफ बीजेपी जीत के दावे ठोक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं बीजेपी पर हमला करने का। और यही वजह है कि इस वीडियो को साझा करते हुए हमला भारतीय जनता पार्टी पर और उनके कार्यकाल पर लगाया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।